undistributed or out of both. Now, क्लियर है? करंट ईयर के प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, प्रीवियस ईयर्स के प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, एंड रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड और आउट ऑफ बोथ. नाउ रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड और आउट ऑफ बोथ, फाइन. आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड, वो तो पहले भी था, अभी भी है. लेकिन यहां पर और 205 सेक्शन में बेसिक डिफरेंस कुछ भी नहीं रहा, लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई. रिमेनिंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड और आउट ऑफ बोथ, यानी पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स में से भी हम डिविडेंड दे सकते हैं जिनमें डेप्रिसिएशन लग गया है, लेकिन उसके बाद भी वो बचे हुए आपके पास है. अब वो चाहे एक्यूमुलेटेड पीएनएल में हो, चाहे जनरल रिजर्व में, पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट कहां रहेंगे बताओ? आइदर दे विल बी इन जनरल रिजर्व और दे विल बी इन अक्यूमुलेटेड पीएनएल. इसके अलावा पास्ट ईयर का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट तीसरी जगह तो हो नहीं सकता. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कोई गारंटी दे दी है आपकी तरफ से तो चलेगा. ये बात तो हमको पहले भी मालूम है कि कई बार गवर्नमेंट जो है किसी पब्लिक इशू को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो पब्लिक इशू गवर्नमेंट का पब्लिक इंटरेस्ट का ही है. मान लो पावर कंजर्वेशन या पावर एनर्जी के लिए कोई प्रोजेक्ट आ रहा है और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है और कह रही है स्टेट गवर्नमेंट कि आप लोग तो इस पब्लिक इशू को सब्सक्राइब करो, डिविडेंड की गारंटी हम देते हैं पहले 3 साल. तो अगर गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी है डिविडेंड की, तो गवर्नमेंट फंड अवेलेबल करवाएगी, तो आप उस फंड से डिविडेंड बांटो, कोई मना नहीं कर रहा है. सो अब आप यहां पे देखो कि ए केस के अंदर डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत है, लेकिन बी केस के अंदर डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है. केस ए में डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत है, बट क्लॉज बी में डेप्रिसिएशन लगाने की जरूरत नहीं है. क्लॉज ए में है, क्योंकि क्लॉज बी तो साहब बोल रहा आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड बाय कंपनी इन परस्यूएंस ऑफ गारंटी गिवन बाय दैट गवर्नमेंट. अब आपने डेप्रिसिएशन लगाया हो कि नहीं लगाया हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर आपको पैसा दिया है कि डिविडेंड बांट दो, तो डिविडेंड बांट दो, बात खत्म हो गई. स्टेट गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया है डिविडेंड बांटो, आप डिविडेंड बांटो. ये प्रोविजन पहले भी था, ये प्रोविजन अभी भी है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दिया है तो बिना डेप्रिसिएशन लगाए भी आप डिविडेंड दे सकते हो. पर ऐसा होता बहुत कम है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कोई फंड्स अवेलेबल करवाए. नाउ प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी मे बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट दैट फाइनेंशियल ईयर एज इट मे बी कंसिडर अप्रोप्रिएट टू रिजर्व ऑफ द कंपनी. ये है सबसे बड़ा चेंज. 2052A अबोलिश हो गई सर, जो हमसे कहते थे कि आप मिनिमम ट्रांसफर टू रिजर्व करो, 0 से 10% हो तो नील, 10 से 12.5% हो तो 2.5%. वो रूल्स थे, ट्रांसफर टू रिजर्व रूल्स 1975 अबोलिश्ड, खत्म. मैंने कहा ना सिंपल हो गया अब तो डिविडेंड. पहले हुआ करता था कि भैया रिजर्व में लेके जाओ, और फिर बोले वो 10% मैक्सिमम ले जा सकते हो, और 10% से ज्यादा ले जाना हो तो फिर रूल फॉलो करो. हेलो, आप खुशी मना सकते हो इस बारे में? तो आपको जितना रिजर्व में डालना है आप डालो, फ्री हो आप. चाहे तो सारा प्रॉफिट रिजर्व में डाल दो और डिक्लेयर मत करो डिविडेंड, चाहे तो कुछ भी रिजर्व में मत डालो, पूरा डिक्लेयर कर दो डिविडेंड. एग्रेसिव, पहले था अपर कैप लोअर कैप, ज्यादा भी ना बढ़ जाए और कम भी ना बढ़ जाए, सब खत्म हो गया सर. 2052A इज ओवर. सबसे बड़ा रेडिकल चेंज, अंडरलाइन कर लो उसको, पूछने लायक चीज है. जो क्यों सबसे बड़ा चेंज है सर? द होल पेमेंट ऑफ डिविडेंड प्रोसेस हैज बीन चेंज्ड. मतलब बहुत क्लियर है कि अगर आपको डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो सिर्फ डेप्रिसिएशन लगाना है, आप ट्रांसफर टू रिजर्व करना ही नहीं है. पहले थे ट्रांसफर टू रिजर्व रूल्स, अब है ही नहीं, एक रूल के रूल ही गायब हो गए. सो वी डोंट हैव एनी रूल नाउ. तो अब आप ध्यान रखें कि हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के जो रूल्स फॉलो करना होते थे,
10% है तो 2.5% और दिस टू दैट 7.5%, 10%, और फिर उसके बाद अगर 10% से ज्यादा करना हो तो फिर एक सेट ऑफ रूल फॉलो करो. दोज़ हैव बीन अबॉलिश्ड, अब वो नहीं है. नए एक्ट ने साफ कह दिया है कंपनी में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड इन एनी फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ इट्स प्रॉफिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एज इट मे कंसिडर अप्रोप्रिएट टू द रिजर्व ऑफ द कंपनी. नो, कंपनी मे मीन्स व्हाट? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ओके, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेदर ओइंग टू इनएडिक्वेसी और एबसेंस ऑफ द प्रॉफिट इन एनी फाइनेंशियल ईयर और एनी कंपनी प्रपोज टू डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अर्न बाय इट इन प्रीवियस ईयर एंड ट्रांसफर बाय इट टू द रिजर्व. सच डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड शैल नॉट बी मेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. अब आ गए एक रूल्स. नाउ वी हैव रूल्स. फिर से देखें, अगर इस साल इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट है या इस साल इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट है या प्रॉफिट ही नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं, मुझे देखकर बताओ कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट बोल रहा है या लास्ट ईयर के वो प्रॉफिट बोल रहा है जो रिजर्व में ट्रांसफर्ड. जरा आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हो, आप जरा ध्यान से पढ़ो. इट इज नॉट अ बुक, इट्स अ बेयर एक्ट एंड यू हैव टू इंटरप्रेट. क्या लिखा हुआ है? लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट जो अर्न हुए हैं, मतलब प्रॉफिट जो अर्न हुए हैं प्रीवियस ईयर में एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, यानी आपके पास अगर एक्यूमुलेटेड पीएनएल पड़ा हुआ है और उसमें से अगर आप क्या बांटना चाहते हो डिविडेंड, तो कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं. बॉस, मेरे पास करंट ईयर का पीएनएल है, एक बात, प्रीवियस ईयर का भी पीएनएल एक्यूमुलेटेड पड़ा हुआ है जो रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया मैंने, दूसरी बात, और तीसरी बात, वो जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है जो मैंने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को ट्रांसफर करके बनाया था. हेलो, तो जनरल रिजर्व में से अगर पैसा निकालना होगा तो ये रूल लगेंगे, लेकिन अगर करंट ईयर के पीएनएल में से कुछ देना हुआ तो कोई रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है. प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट जो रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किए लेकिन कहां पड़े अक्यूमुलेटेड पीएनएल में, तो मुझे कहीं भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, तो मुझे कुछ भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ये नहीं बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से अगर डिविडेंड बांटोगे तो रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे. प्रीवियस ईयर के ऐसे प्रॉफिट में से अगर डिविडेंड बांटोगे जिसको कहां ट्रांसफर किया जा चुका है रिजर्व में, उसमें से अगर डिविडेंड बांटोगे तो रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे. मेक इट वेरी श्योर, ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, यानी करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटना हो एक रुपए की टेंशन नहीं है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड बांटना हो जो रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया एक रुपए की टेंशन नहीं है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया और वहां से निकालकर अगर आपने बांटना चाहा डिविडेंड, देन यू विल बी हैव अ प्रॉब्लम. नाउ प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब कंपनीज ये प्रैक्टिस शुरू कर देंगे कि डिविडेंड मेंटेन करने के लिए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर ही मत करो, कीप योर प्रॉफिट, कम से कम इतना प्रॉफिट अपन डिविडेंड के लिए रखो, जिसको हम कहेंगे तो नहीं कि ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, लेकिन हम कहेंगे कि ये पीएनएल है, अक्यूमुलेटेड पीएनएल. अच्छा, कौन से रिजर्व में ट्रांसफर करने की बात की उससे पहले वाले पैराग्राफ में, इज इट मेड क्लियर दैट इन जनरल रिजर्व, रिजर्व लिखा है, अब उस रिजर्व में आप कुछ भी ले सकते हो. अच्छा, रिजर्व की डेफिनेशन देखेंगे जाके वहां पे डेफिनेशन सेक्शन में, लॉ पढ़ रहे हो आप, किताब नहीं पढ़ रहे हो, गो टू रिजर्व डेफिनेशन. इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ तो करना ही पड़ेगा सर, नया नया आया है, पढ़ के थोड़ी पढ़ना है, खुद को पढ़ना है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिजर्व अंडर द कंपनीज एक्ट, डिड दे डिफाइन इट एज अ रिजर्व? यस दे हैव. फ्री रिजर्व तो डिफाइंड है, उस दिन देखे थे हमने. और सर इतनी छोटी छोटी देख दी अब तो आपने. 243 क्या है? फ्री रिजर्व. बट डिड दे डिफाइन रिजर्व? ओनली रिजर्व? नो, इन द डेफिनेशन सेक्शन दे हैव नॉट डिफाइंड रिजर्व.
अब इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट हैंड रीडिंग से निकालूं तो क्या निकल रहे हैं कि मैं अपनी मर्जी से रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता हूं। आप कौन से रिजर्व में? दैट विच रिजर्व? सो डेफिनेटली बाकी कोई रिजर्व अगर नहीं है तो मेरा जनरल रिजर्व होता है। अगर मैं शेड्यूल्स सेकंड में जाऊं तो शेड्यूल सेकंड में मुझे दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस। हेलो, वो अकेला रिजर्व्स नहीं है, उसमें दिया हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस। और रिजर्व्स का मतलब होता है एनी प्रॉफिट सेट असाइड फॉर अननोन लाइबिलिटीज। अगर जनरल डेफिनेशन आप लेने जाओ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की, तो रिजर्व मतलब क्या? अ सरप्लस प्रॉफिट विच हैज बीन कैप्ट असाइड फॉर एनी अननोन लाइबिलिटी और अननोन फ्यूचर लॉसेस। यानी किसी भी रिजर्व में आप डालोगे तो मैं कहूंगा इट इज इन रिजर्व। अब आप बोलो सर मैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व खोल लूं क्या, तो मैं कहूंगा यार वो भी एक रिजर्व है। अब उस रिजर्व में से अगर आप प्रॉफिट निकालोगे तो मैं बोलूंगा आपको फिर ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट रिजर्व रूल्स फॉलो करना पड़ेंगे जो यहां दिए हुए। यानी आपके पास दो ही चारे हैं, या तो आप उठाओ और सीधे P&L अक्यूमुलेटेड में ही रहने दो और वहां से आपको जितना डिविडेंड आगे के ईयर्स में बांटना हो बांटो बिना रूल लगाए, या फिर अगर आपने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया है देन यू हैव टू फॉलो द रिजर्व रूल्स। रिजर्व रूल्स क्या है, दो मिनट में बता देता हूं मैं आपको, व्हाट आर द रिजर्व रूल्स, व्हाट रूल्स वी हैव इन रिजर्व्स। सो चैप्टर 9 में बहुत छोटे से दो पेज के रूल्स दे दिए उन्होंने, एंड दे आर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स, वर्ड्स एंड एक्सप्रेस है आउट ऑफ रिजर्व। इन द इवेंट ऑफ एडिक्वेसी और एबसेंस ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर अ कंपनी मे डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ सरप्लस सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नेमली। रूल्स के अंदर सरप्लस वर्ड यूज किया है, ऑल्दो द रूल्स आर ओपन फॉर कमेंट आई थिंक, बट स्टिल द थिंग्स आर देयर। In the event of inadequacy or absence of profit in any year, a company may declare dividend out of the surplus subject to fulfillment of the following condition, namely. Surplus मतलब क्या? अब अगर मैं surplus देखने जाऊंगा तो यार फिर surplus मतलब तो it includes everything. आप उधर कह रहे reserve, इधर कह रहे हो surplus, but every time the provision of the act will override over the rules. There are specific laws to interpret a law. ये बहुत अच्छी बात है कि आप मेरे साथ लॉ का इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, नहीं तो आप हमेशा पका पकाया ही खाते हो। अब आप हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ने और पढ़ाने में, वो भी आप देखो। अब ये क्या बोल रहा है? सरप्लस। अब मैं इस सरप्लस को इग्नोर नहीं कर सकता हूं। आप सरप्लस कैसे बोल रहे हो यार? आपने सेक्शन में बोला है कि रिजर्व्स, आप यहां बोल रहे हो सरप्लस। अब मैं किसकी मानू? अभी सरप्लस देखने जाऊंगा तो साला P&L भी आ जाएगा प्रीवियस ईयर का, जिसको मैंने रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया है, लेकिन तुमने तुम्हारी सेक्शन में लिखा है कि ये रूल उसी के ऊपर लगेंगे जब तुम रिजर्व में ट्रांसफर प्रॉफिट को उठाकर क्या करोगे? बांटोगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पर जाओ, रूल्स के ऊपर कमेंट मांगे गए, उस पर कमेंट दो व्हाई सरप्लस इज देयर, बिकॉज सरप्लस इंक्लूड्स एवरीथिंग एंड योर एक्ट सेज व्हाट? प्रॉफिट अर्न इन प्रीवियस ईयर एंड ट्रांसफर टू रिजर्व्स। सो व्हाई दिस एनोमली इज देयर? डेफिनेटली एनोमली दूर हो जाएगी जैसे ये रूल्स नोटिफाई होंगे। सो और पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि 15-20 दिन में नोटिफाई होंगे, 30 दिन के लिए ओपन रहते हैं कमेंट्स के लिए, कोई कमेंट्स नहीं आते, रूल नोटिफाई हो जाते हैं, तो ये तो नोटिफाई होना ही होना है। एक्ट तो नोटिफाई हो गया, रूल्स नोटिफाई होने के लिए 30 दिन में कमेंट आएंगे, 30 दिन में कमेंट अभी आ जाएंगे, 30 दिन तो होने आ गए डिक्लेयर हुए को। अब ये या तो सरप्लस ही रह जाएगा, और नहीं तो अगर किसी ने कमेंट उठा दिया कि सरप्लस क्यों कर रहे हो, रिजर्व लिखो, तो रिजर्व हो जाएगा। और नहीं भी होता है रिजर्व और सरप्लस भी रह जाता है, तो ऑलवेज अ सेक्शन ओवरराइड्स ओवर द रूल्स। दिस इज अ लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन दैट इफ समथिंग इज गिवन इन एक्ट एंड समथिंग इज गिवन इन रूल, इफ एक्ट इज देयर देन एक्ट विल प्रिवेल, तो एक्ट विल सुपरसीड द रूल। फाइन, हम तो अभी यही मानेंगे कि रिजर्व्स। The rate of dividend declared shall not exceed average of the rates at which dividend was declared by it in 3 years immediately preceding that year.
पहले हुआ करता था पिछले 5 साल के डिविडेंड का रेट चेंज हो गया सर, सिर्फ 3 साल के डिविडेंड रेट रह गए अब। पहले जो ट्रांसफर ये आउट ऑफ रिजर्व रूल्स हुआ करते थे, आप लोगों के पास तो बुक होगी मेरी पुरानी, उसके अंदर 5 ईयर्स का एवरेज लेना पड़ता था। नाउ नो 5 ईयर्स एवरेज, ओनली 3 ईयर्स एवरेज। लिख लो वहां पे जहां 3 ईयर लिखा हुआ है, प्रीवियसली 5 ईयर्स, पहले 5 साल था, अब कितना रह गया सिर्फ 3 साल का एवरेज। और अगर कंपनी को 3 साल ही नहीं हुए इनकॉर्पोरेट हुए तो क्या करूं? बोल रहे पहला रूल ही नहीं लगेगा। बहुत अच्छा हुआ क्लियर कर दिया, पिछली बार वाले रूल में क्लियर ही नहीं था। प्रोवाइडेड दैट दिस सब रूल शेल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी विच हैज नॉट डिक्लेयर्ड एनी डिविडेंड इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। विच सब रूल? विच सब रूल? रूल 3 सब रूल 1। सो दैट सब रूल 1 विल नॉट बी एप्लीकेबल ओवर अ कंपनी जिसको अभी जिसने 3 साल में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। सब रूल शेल नॉट अप्लाई टू कंपनी विच हैज नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। व्हाट डज दिस मीन? मैंने पिछले 3 साल से डिविडेंड नहीं दिया है तो दिस सब रूल इज नॉट अप्लीकेबल। और अगर मैंने 1 साल डिविडेंड दिया है, दूसरे साल नहीं दिया और तीसरे साल दिया तो दिस सब रूल इज अप्लीकेबल। ओ बॉस, पकी पकाई चीज नहीं खा रहे अपन, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। एक्ट आया है, लेखक तो अभी किताबें लिख रहे हैं, तुम तो पहले लिखो और पढ़ो और खत्म करो, फिर किताबों में गलतियां निकालेंगे। बेवकूफ है क्या, इंटरप्रिटेशन निकाल के ले आए? अभी तो तुम देखना जो पहली बुक आएगी, जो पहली बुक आएगी मार्केट में, उसके इंटरप्रिटेशन देखना आप, क्योंकि आपका इंटरप्रिटेशन हो चुका है, अब आप उसके इंटरप्रिटेशन देखना और उसमें गलतियां निकालो कि बेवकूफ है क्या बोल लिख रहा है, हो ही नहीं सकता। किताबें चौथे एडिशन से जाकर स्टेबल होना चालू होती हैं जब एक एक्ट आता है, चौथा एडिशन लगेगा उस किताब को स्टेबल होने में, जाने क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकाल देंगे अपनी मर्जी से, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, सब दूर से ब्लॉग्स, साइट्स, सब दूर से इंटरप्रिटेशन ले लेके निपटा दो। आप यहां इंटरप्रिटेशन निकालो, क्या बोल रहा वो, ईच ऑफ द अंडरलाइन आप नहीं कर पाओगे। मैं आपको रूल दे देता हूं, 2 पेज की रूल है। ये रूल क्या कह रहा है आप देखो ना, व्हाट इट दिस रूल सेज, प्रोवाइडेड दैट दिस सब रूल शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी विच हैज नॉट डिक्लेयर एनी डिविडेंड इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब ये चीजें तो 2 बार में हो सकती हैं। सर मैं तो इनकॉर्पोरेटिव अभी हुआ तो पिछले 3 साल डिविडेंड कहां से दूंगा, तो सब ये सब रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरा सर मैंने पिछले 3 साल कसम खा के कह रहा हूं 1 रुपए का डिविडेंड नहीं दिया तो ये रूल अप्लीकेबल होगा। सर मैंने पिछली बार डिविडेंड नहीं दिया था उसके पिछले 2 साल दिया था तो मैं इस साल को क्या 0 मानू? 10%, 12%, 0% डिवाइडेड बाय 3 एवरेज कैसे निकालूंगा? 10%, 0%, 10% डिवाइडेड बाय 3 0% 10% 10% डिवाइडेड बाय 3। अब 3 साल में किसी 1 साल डिविडेंड नहीं दिया तो मैं क्या करूंगा? हाउ आई विल कैलकुलेट द एवरेज? ये थोड़ी बोल रहा है कि ईच ऑफ डिविडेंड इन ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर। अब इस लैंग्वेज का मतलब तो ये होता है कि 3 साल अगर डिविडेंड नहीं दिया हो तो रूल नहीं लगेगा, अदरवाइज आप लिख देते दिस रूल विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ 3 कंटिन्यूअस ईयर डिविडेंड हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड। तो इसका मतलब है कि आप मेरे को इंसिस्ट कर रहे हो कि मैं उसको क्या करूं, 0 लूं? नहीं तो मैं एवरेज कैसे निकालूंगा? हेलो, एवरेज क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि मेरे को रिजर्व्स में से अगर ट्रांसफर करना है तो मेरे को लास्ट 3 ईयर्स के डिविडेंड का एवरेज लेना पड़ेगा, उससे ज्यादा पास्ट ईयर पास्ट रिजर्व्स में से मैं डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं पाऊंगा। बहुत क्लियर है सर? अगर आपको पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड डिक्लेयर करना है आप करिए, लेकिन आप पिछले 3 साल का एवरेज डिविडेंड रेट ले लीजिए। सर पिछले 3 साल में से सिर्फ 1 ही साल डिविडेंड है, बाकी 2 साल नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं? उस साल का 10%, बाकी 2 साल का 0-0 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एवरेज डिविडेंड रेट तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। इफ नो डिविडेंड इज डिक्लेयर तो क्या मैं इसको 0% मान लूं? अभी तो मैं यही बोलूंगा क्योंकि यहां पे लिखा हुआ ईच ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर। ओके, द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। क्या आदमी है यार, कभी सरप्लस यूज करता है,
कभी रिजर्व्स यूज करता है और कभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यूज करता है। इस लॉ को एस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लगेगा। आप मेन सेक्शन में जा रहे हो तो आपको ये रूल किस लिए बनाए गए जरा जाके देखो। आप मेन सेक्शन पढ़ोगे ये रूल किसके लिए बने नहीं, आप उसको पढ़ो, प्रॉफिट विच आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अर्नड इन प्रीवियस ईयर एंड ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स। मतलब ये रूल रिजर्व में से पैसा निकालने के लिए लगे हुए हैं। अब उसकी मर्जी पड़ रही है वो चीजें यूज कर रहा है वो। इसको कहते हैं लूज ड्राफ्टिंग ऑफ रूल्स, कर दी ड्राफ्टिंग। अब तुमने यहां एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लिख दिया तो अब यहां पूरी जनता जो है पागल हो गई कि साहब आपने रिजर्व में से प्रॉफिट निकालने के रूल्स बनाए हैं कि एक्यूमुलेटेड पीएनएल में से प्रॉफिट निकालने के रूल बनाए हैं। सर मैं फिर बोलूंगा द एक्ट विल ओवरराइड ओवर द रूल्स। आज अपन एक कमेंट भेज दें एमसीए को कि क्या है भाई यहां आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट बोल रहे हो। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का यहां मीनिंग वही है कि जो प्रॉफिट आपने कमाया और उसको आपने कहां डाल दिया रिजर्व्स में से, उसका और कोई मीनिंग निकल ही नहीं सकता क्योंकि ये रूल उस सेक्शन के उस सबसेक्शन के लिए सबके लिए नहीं है। सो द टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द सम ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल इन रिजर्व्स एज अपीयरिंग इन द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, लेटेस्ट अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। ओ हेलो, लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और आप डिविडेंड डिक्लेरेशन करोगे कब, फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद। हेलो, तो पहले आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लो, उनका ऑडिट करवा लो, ऑडिट करवाने के बाद ये देखो कि आपके रिजर्व्स कितने हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि अमाउंट जो आपको ड्रॉ करना है शेल जो ड्रॉ करना है वो होगा शेल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द सम ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स एंड माइंड इट वेरी केयरफुली कि फ्री रिजर्व्स में क्या क्या आता है। गो टू अगेन द डेफिनेशन ऑफ फ्री रिजर्व, आई वॉन्ट यू अगेन टू द फ्री रिजर्व। डज इट इंक्लूड What is free reserve defined? Free reserve has been defined as means such reserve as per the latest audited balance sheet of a company are available for distribution as dividend or provided that any amount representing unrealized gain, notional gain, revaluation वो नहीं आएगा और वो नोशनल और अनरियलाइज गेन को अलग हटा रहे हैं। लेकिन वो जो लाइन लिख दी वो खतरनाक इंटरप्रिटेशन दे गई है सर। रिजर्व्स के बारे में बोला है मींस द रिजर्व्स व्हिच एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी आर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। उसने ये नहीं बोला मींस अ सरप्लस और रिजर्व्स एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट, उसने कहा है रिजर्व्स एज पर ऑडिटेड बैलेंस शीट and I will include only reserves, I will not take any surplus in that. Reserves is reserve, surplus is surplus. You have any surplus in financial statement and you have a reserves. तो जिन surpluses को जो profits को आपने reserve में transfer किया है वही reserve कहलाएंगे। हर कोई profit जो balance sheet में पड़ा हुआ है आपके वो reserves नहीं, तो उसका नाम हम फिर reserves and surplus क्यों रखते, सिर्फ reserves नहीं रखते। Schedule टू मतलब पुराना शेड्यूल 6 रिवाइज्ड अगर अपने ऑफिस में आपने देखा है तो उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस आते हैं और उसके ढेर सारी चीजें आती हैं। क्या उसमें हर आइटम रिजर्व है? देयर आर सर्टेन रिजर्व्स एंड देयर आर सर्टेन सरप्लसेस। नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाट रिजर्व्स, दैट मींस दोज रिजर्व्स व्हिच आर फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड एंड ओनली वन रिजर्व इज देयर व्हिच इज फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। आइदर इट मे यू मे कॉल इट जनरल रिजर्व और यू मे हैव डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, व्हाटएवर इट इज। आप कुछ भी रख दो, आपने डिविडेंड बांटने के लिए रखा है ना, मैं उसको रिजर्व फ्री रिजर्व में इंक्लूड करूंगा। तो वो बोल रहे हैं पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, यानी अभी भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज व्हाट रिजर्व। ओ बॉस, लॉ को इंटरप्रेट करना ही पड़ेगा आपको, या तो आप मेरी इंटरप्रिटेशन प्रोसेस में एक साथ हिस्सा लें या फिर
आप सिर्फ उसी लेवल के बच्चे हैं जिसको सिर्फ किताब में जो लिखा है वो ही पढ़ सकता है। आप लॉ देख रहे हो, हमको इंटरप्रेट करने के लिए चार सेक्शंस घूमना पड़ रही है। मैं यहां पर बात कर रहा हूं, टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द सम ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, वो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एंड फ्री रिजर्व, तो फ्री रिजर्व में मैं कौन से रिजर्व लूंगा? एक जनरल रिजर्व है, एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है। सिक्योरिटी प्रीमियम तो मैं ले नहीं सकता, वो तो फ्री रिजर्व है नहीं। हेलो, क्योंकि फ्री रिजर्व के ऊपर ही डेफिनेशन में लिखा है विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्टन रिजर्व विच आर नेवर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। हेलो, और पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस जो मेरी बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, मैं उसको फ्री रिजर्व मान नहीं सकता क्योंकि मैंने उसको नोटिफाई नहीं किया है कि वो रिजर्व है, क्योंकि रिजर्व तो मुझे बनाना पड़ेगा प्रॉफिट में से। ऐसा थोड़ी है कि जितना पीएनएल पड़ा है वो सब रिजर्व है। अगर किसी के दिलो दिमाग में ये बात हो कि सर पीएनएल तो सारा रिजर्व में ही जाता है, तो अपने दिमाग के जाले साफ कर ले। पीएनएल अलग है, रिजर्व अलग है। तू डालेगा तो रिजर्व में जाएगा, नहीं तो पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस आता रहेगा, और क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल को मैं फ्री रिजर्व नहीं मानूंगा, क्योंकि उसने बोला वो रिजर्व जो अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड। बात खत्म हो गई। हेलो बॉस, समझ में आया कि नहीं? देखो मैं मानता हूं 20% लोग यहां जो बैठे हुए हैं दे विल बी आउट ऑफ द नेटवर्क एरिया बिकॉज दे डोंट वॉन्ट, दे डोंट नो हाउ टू इंटरप्रेट लॉ। भाई आपको तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद यही करना है दिन भर, कौन सी नई बात? यू हैव टू इंटरप्रेट लॉ अकॉर्डिंग टू यू। कोई बैठोगे थोड़ी कि सिंघानिया साहब लेके बैठ गए बोले इनकम टैक्स देख रहा हूं। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस, और आपको खुद इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ेगा, और आप खुद बोलोगे किताब गलत बोल रही। जैसे हम अब यहां बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, सरप्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शेल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द सम ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व्स। ठीक है, मैं मैक्सिमम कितना निकाल सकता हूं? 1/10, फाइन। द अमाउंट सो ड्रॉन शेल बी फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिफोर एनी डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज डिक्लेयर्ड। हाय हाय, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड दू, तो क्या ये रूल नहीं लगेंगे? यार सर आप तो कंफ्यूज। अब मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, इंटरप्रेट कर रहा हूं, और तुमसे इंटरप्रेट करवा रहा हूं, कंफ्यूज क्या कर रहा हूं? अब वो बोल रहा है, देखो आके क्या बोल रहा है, द अमाउंट सो ड्रॉन शेल बी फर्स्ट यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर बिफोर एनी डिविडेंड इन रिस्पेक्ट ऑफ इक्विटी शेयर इज डिक्लेयर्ड। That means, अगर मैं प्रिफरेंस डिविडेंड दे रहा हूं आउट ऑफ पास्ट रिजर्व्स, तो मुझे पहले लॉस सेट ऑफ करने की जरूरत नहीं है, रिजर्व्स में से निकालो और दे दो, भले करंट ईयर में क्या हो रहा हो लॉस। इक्विटी डिविडेंड अगर दे रहे हो तो क्या करना पड़ेगा? पहले रिजर्व्स में से पैसा निकालो, लॉसेस सेट ऑफ करो, फिर इक्विटी डिविडेंड बांटो। जब तक कोई और क्लेरिफिकेशन नहीं आएगा मैं तो यही इंटरप्रिटेशन निकालूंगा। क्यों लिखा तुमने वहां इक्विटी शेयर? मत लिखते इक्विटी शेयर, तो मैं तो मान लेता कि सब प्रेफरेंस शेयर्स के अगेंस्ट। तुमने वहां लिखा इक्विटी शेयर, मतलब अब हम समझ गए कि इक्विटी शेयर की बात यहां पर कर दी आपने। सो द अमाउंट सो ड्रॉन फर्स्ट शैल बी यूटिलाइज टू सेट ऑफ द लॉसेस incurred in the financial year in which the dividend is declared before any dividend in respect of equity share is declared. अभी तो बचपन की स्टेज में ये लॉ, इतने इंटरप्रिटेशन आएंगे और इतने क्लेरिफिकेशन आएंगे, उसके बाद ये लॉ एस्टेब्लिश होगा कि यार इसमें इतनी सारी चीजें आनी चाहिए। या तो यहां से इक्विटी हटाओ अगर तुम चाहते हो कि ये रूल प्रेफरेंस पे भी लगे, और नहीं तो फिर हमने ये मान लिया है कि पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट में से हम उठाकर प्रेफरेंस डिविडेंड में दे देंगे और बिना लॉस सेट ऑफ करे दे देंगे। करंट ईयर का लॉस पड़ा रहे पीएनएल में, लेकिन हम एक प्रेफरेंस डिविडेंड तो बांट सकते, मेरा तो नियम यही कह रहा है। अदरवाइज ठीक है, इक्विटी डिविडेंड बांटना है तो हम पहले जो लॉसेस आए उनको सेट ऑफ करेंगे और फिर बांटेंगे। ओके, बैलेंस आफ्टर बैलेंस द रिजर्व, द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर, अब यहां रिजर्व यूज कर रहा है, वहां एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में से बाहर निकलवा रहा था। इसको कहते ऐसे रूल निकलते हैं, एक जगह कह रहा है सरप्लस
दूसरे के कह रहा है एक्युमुलेटेड प्रॉफिट, तीसरे के पहले बोलो जो बैलेंस बच गया ना रिजर्व में, तो फिर तू पूरी बात ही रिजर्व की कर रहा है। सो द बैलेंस ऑफ द रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ योर पेड अप शेयर कैपिटल एज अपियरिंग इन द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ टेल मी पेड अप शेयर कैपिटल वेदर इंक्लूड प्रिफरेंस शेयर कैपिटल और नॉट। डेफिनेशन देखो, मेरे से मत बात करो, एक्ट नया है, पुराने नॉलेज के हिसाब से कुछ मत बोलो, कंफर्म करो पहले। तुम ये मान लो कि तुमको कुछ नहीं आता है कंपनीज एक्ट में, मैं भी तो मान रहा हूं ना, पेड अप कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ो पहले जाके, तब लॉ का इंटरप्रिटेशन होगा। क्या लिख रहा है? पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल पेड अप, वाह, मींस सच एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिटेड एज पेड अप एज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट रिसीव्ड एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स इशूड एंड ऑल्सो इंक्लूड एनी अमाउंट क्रेडिटेड एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच शेयर बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। नाउ गो टू शेयर। शेयर क्या है वो बताओ। इसने तो कुछ नहीं बोला वेदर शेयर इंक्लूड प्रिफरेंस शेयर। शेयर के डेफिनेशन में जाओ, मिला कि नहीं? क्या बोलता है शेयर मतलब? शेयर की डेफिनेशन क्या बोलती है? शेयर मीन्स लाइए, शेयर की डेफिनेशन बोलती है दैट 84 इधर है आगे यार, तो या नीचे देखो आप। नाउ शेयर की डेफिनेशन बोलती है मीन्स अ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। हेलो, अब स्टॉक की डेफिनेशन में जाओ, वो नहीं मिलेगी आपको। स्टॉक पहले बोला जाता था, जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते थे, हमारे शेयर आने से पहले वी विल टॉक अबाउट स्टॉक। प्रेफरेंस शेयर पे जाओ, ढूंढना तो पड़ेगा ना। प्रेफरेंस शेयर की डेफिनेशन पे जाओ, नहीं है, डोंट हैव। दैट मीन्स जब आप कुछ नहीं बोलोगे तो मैं जहां भी शेयर बोलोगे आई विल इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ शेयर, आइदर प्रेफरेंस और इक्विटी। और आपने शेयर कैपिटल बोला तो मैं बोलूंगा शेयर कैपिटल मतलब प्रेफरेंस और इक्विटी, दोनों आएंगी। आप चाहे उसको पेड अप बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो, जब भी शेयर कैपिटल वर्ड यूज करोगे मैं तो इंक्लूड करूंगा प्रेफरेंस को भी और इक्विटी को भी, क्योंकि अगर आपको डिस्टिंग्विश करना होता शेयर का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कहां से, शेयर कैपिटल से, तो आप पहले डिस्टिंग्विश कर देते। तो बहुत क्लियर है सर, बैलेंस ऑफ द रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल शेल नॉट बिलो 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एज अपेयरिंग द लेटेस्ट ऑडिटेड स्टेटमेंट। तो सर बहुत क्लियर हो गई अब तीन चीजें। मुझे अगर प्रीवियस ईयर के रिजर्व में से क्या देना है डिविडेंड, तो पहली बात तो लास्ट थ्री ईयर्स जिनमें हर एक में डिविडेंड दिया हो डिवाइडेड बाय थ्री, मैं क्या ले लूंगा एवरेज और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा उतने रेट से, वो मेरा मैक्सिमम रेट रहेगा जिसमें मैं डिविडेंड बांट सकता हूं। अब इतना पैसा निकालने के लिए मुझे पहले निकालना पड़ेगा रिजर्व में से पैसा, और रिजर्व में से पैसा निकाल सकता हूं मैं सिर्फ कितना, हाउ मच आई कैन विड्रॉ, आई कैन विड्रॉ मैक्सिमम कितना, नॉट एक्सीडिंग 1/10 ऑफ द सम ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, और उसको पहले यूज करूंगा किसके अगेंस्ट में, लॉसेस के अगेंस्ट में, और उसके बाद जो बचेगा उसको बांटूंगा, लेकिन ध्यान रखूंगा कि विड्रॉल के बाद। हाँ लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, जरा देखें नए रूल्स आपको कितने समझ में आए। शेयर कैपिटल
शेयर कैपिटल 1 करोड़ एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट अपन फिगर ले रहे हैं, शेयर कैपिटल 1 करोड़, जनरल रिजर्व 40 लाख, जनरल रिजर्व 40 लाख, लास्ट थ्री इयर्स एवरेज डिविडेंड रेट 12%। पिछला वाला जो रूल था ना, लास्ट पिछले कंपनीज एक्ट का, वो क्या कहता था, 5 साल का एवरेज डिविडेंड रेट और 10% विच एवर इज लोअर। पहले था वो बोलता था 5 इयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड और 10% विच एवर इज लोअर। अब तो मैं 12% भी रख दूं तो मैं 12% भी दे सकता हूं, वहां तो मैक्सिमम कितना दे सकता था 10%। ये एक बहुत बड़ा चेंज है। पहले जो रिजर्व रूल्स थे वो 10% पे जाते थे, मैक्सिमम 10% दे सकता था। अब यहां पे मेरे को मैक्सिमम की कोई गुंजाइश ही नहीं है, पास्ट ईयर्स में से भी मैं कितना ही डिविडेंड दे सकता हूं, लेकिन पिछले 3 साल के डिविडेंड रेट का एवरेज निकालूंगा। वो एवरेज 12% आ गया तो 12%, 15% आ गया तो 15%, 20% आ गया तो 20%। पिछले रूल्स में मैक्सिमम रेट था कितना, 10%। नाउ इट्स नॉट देयर नाउ, सो वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लिया आपने 12%। अब कंपनी चाहती है कि पास्ट ईयर्स के रिजर्व्स में से क्या बांटे डिविडेंड, और लिखो करंट ईयर्स लॉसेस 15 लाख, करंट ईयर के लॉसेस 15 लाख। चलिए सॉल्व करते हैं, और सॉरी प्रपोज डिविडेंड रेट 11%। चलो तो एवरेज कितना है 12, उससे कम दे रहे हो तो पहला रूल फॉलो हो गया। चलो दूसरे रूल में, अब ये पैसा निकालना है तुमको, 1 करोड़ का कितना परसेंट 11%, यानी कितना, 11 लाख रुपए। हेलो भाई साहब, मेरे को 1 करोड़ का 11% डिविडेंड देना है तो मेरे को निकालने कितने, 11 लाख, कहां से, रिजर्व्स में से। सुनो, अब 11 लाख रुपए मैं निकालूंगा, लेकिन अगर मैंने 11 लाख रुपए निकाले तो इस बार का लॉस कितना है 15, वो तो मैं सेट ऑफ कर ही नहीं पाऊंगा 11 में, तो मुझे रिजर्व में से इतना पैसा निकालना पड़ेगा कि मैं पहले करंट ईयर के लॉस को सेट ऑफ करूं फिर डिविडेंड दे पाऊं। अभी रुको, 26 लाख निकालना पड़ेगा अगर 11% डिविडेंड देना है तो, पर 26 लाख विड्रॉल की परमिशन नहीं है सर मेरे पास, क्योंकि मेरे को तीसरा रूल रोक देगा कि आप मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो, आपकी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 10%। अब पेड अप कैपिटल 1 करोड़ प्लस फ्री रिजर्व कितने, 40 लाख, 1 करोड़ 40 लाख का 10%, मैक्सिमम विड्रॉ कितना कर सकते हो, हाथ जोड़े आप डिविडेंड दे ही नहीं पाओगे इस बार सर, आप डिविडेंड दे ही नहीं पाओगे इस बार। क्यों, करंट ईयर के लॉस इतने सारे हो गए आपके पास, क्या करें, जितना मैक्सिमम परमिसिबल विड्रॉल है वो तो सारा का सारा किसके अगेंस्ट में जा रहा है, लॉस के अगेंस्ट में, तो आप अब डिविडेंड नहीं दे पाओगे। नहीं सर, अब व्हाट इफ करें कि करंट ईयर के लॉसेस है ही नहीं, इफ वी डोंट हैव करंट ईयर लॉसेस, अब करंट ईयर के लॉस नहीं है तो क्या करूं, इफ आई डोंट हैव करंट ईयर लॉसेस तो मैं निकाल सकता हूं मैक्सिमम कितना, 11 लाख, नहीं मैं 11 लाख निकालना चाहता हूं, क्या 11 लाख निकालने की इजाजत है सर, आप तो 14 निकाल सकते हो, वो तो ठीक है, 11 निकालने के बाद जो बैलेंस बच रहा है रिजर्व्स में, क्या वो बच रहा है 15%, 11 निकालने के बाद 40 में से 11 निकल जाएंगे तो क्या पेड अप कैपिटल का 15% बच रहा है, बच रहा है, बढ़िया, दोनों डिविडेंड, कौन मना कर रहे हैं। अब अगर इसी प्रॉब्लम में जो सेकंड व्हाट इफ किया, इसके अंदर मैं रिजर्व कर दूं सिर्फ 20 लाख,
मैं इसी प्रॉब्लम के अंदर कर दूं कि जनरल रिजर्व कितने हो गए 20 लाख, तो क्या करेंगे सर? अब 1 करोड़ + 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, तुम कह रहे हो सर मैं 11% डिविडेंड देना चाहता हूं तो 11 लाख निकाल लूं। अभी तुमने 11 लाख निकाल लिए तो रिजर्व कितने बचेंगे? 20 - 11 9, क्या 9 15% ऑफ द पेडअप कैपिटल है? पेडअप कैपिटल 1 करोड़ का 15% मतलब 15 तो तुमको रखना ही है, तो मैक्सिमम विड्रॉल ही कितना कर सकते हो तुम? 5, यानी तुम्हारा डिविडेंड का रेट 11 नहीं हो सकता, उसको 5 तक रिस्ट्रिक्ट करो। हमें तो नहीं आ रहा समझ में, मत समझो। अरे तो कुछ लोग, कुछ चेहरे तो बिल्कुल ऐसे बैठे हैं मिट्टी के माधव हो जैसे, कोई मतलब क्या मालूम क्या करने आए, बीए करने आए हो, सीए करने आए हो, अधिक कर रहे हो यार, लॉ इंटरप्रेट कर रहे हो, और लॉ को तो इंटरप्रेट करना ही पड़ेगा, किताबें नहीं आई तो क्या करूं? तुमको तो अप्लीकेबल हो गया ना कि किताब का वेट करूं, बोल दिल्ली से किताबें आएंगी फिर पढ़ाऊंगा। क्लियर हुआ? डिविडेंड डिक्लेरेशन के रूल्स बहुत क्लियर है, तो आप पिछले रूल और इस रूल में बहुत अंतर है। पिछले रूल अगर किसी ने पढ़ रखे हैं तो भाई साहब, एक तो 5 ईयर और 10% वाला क्लॉज चला गया, दूसरा ये तो दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन तो सेम है, देयर इज नो पॉइंट, दूसरी और तीसरी कंडीशन आर वन एंड द सेम, उनमें कहीं कोई चेंज नहीं आया, लेकिन पहली कंडीशन में चेंज आ गया और इन्होंने ये इक्विटी डिविडेंड लिख के 12 बजा दी। अब उसका क्या इंटरप्रिटेशन निकालते हैं ये लोग, वो देखा जाएगा अपनी जगह पे, बट आप पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट में से डिविडेंड दे सकते हो। लेकिन उसके बाद जो एक और रूल नंबर 5 है वो तो गजब ही है, नो कंपनी शेल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड इन प्रीवियस ईयर आर सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ द करंट ईयर, द लॉस और डेप्रिसिएशन विच एवर इज लेस इन प्रीवियस ईयर इज सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर फॉर विच डिविडेंड इज डिक्लेयर। 12 बजा दी, सारे फंडे हिला दिए उन्होंने ये लाइन यहां डाल के। अब जरा इसको पढ़ो एक बार, उसके बाद अपन बात करेंगे। अब तक सब कुछ सही जा रहा था, ये क्या है? अगर ये रूल ऐसा का ऐसा ही है तो क्रांति आ जाएगी इंडिया में, बता दे रहा हूं मैं। आप क्या बोल कह रहे हैं? वो नो कंपनी शेल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेस, मतलब एक्यूमुलेटेड डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल एंड डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड इन प्रीवियस ईयर। व्हाट डू यू मीन? Do I have a liberty in Companies Act not providing depreciation? Sir, मैं तो बोलूंगा है मेरे पास liberty. आपका एक rule बोल रहा है depreciation not provided for, इसका मतलब क्या हुआ कि जिन ईयर में losses हो उन ईयर में मैं depreciation ना भी provide करूं तो चलेगा? तो फिर वो accounting standards एक चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है? वो भी तो तुम्हारा ही रूल है। ओ हेलो, आप खुद ही पढ़ लो, मैं क्या बताऊं। अब मेरे को वो सिचुएशन बताओ जब कंपनी ने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड ही नहीं किया हो प्रीवियस ईयर में, वो तो एक ही सिचुएशन हो पाएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 के होने के बाद, तो कि जब ऑडिटर ने क्वालिफाई कर दिया कि उन्होंने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया, और वाकई में उन्होंने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं किया, ये तो उसी सिचुएशन में डेप्रिसिएशन आएगा, नहीं तो हर बार ही प्रोवाइड फॉर होगा डेप्रिसिएशन। तो लॉस तो आफ्टर डेप्रिसिएशन नहीं आता, कौन सा लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन आता है कभी भी? क्या बोलता है यार आदमी, समझ में नहीं आता और आएगा भी नहीं समझ में आपको, जिसको यही नहीं मालूम हो कि जनरल रिजर्व क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, पीएनएल क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैसे लगता है, डेप्रिसिएशन मैंडेटरी, वो मेरी बात कहां समझेगा बताओ आप? बॉस क्या बोल, नो कंपनी शेल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस
carried over previous losses and depreciation not provided in previous year are set off against the profit of the company of the current year, the loss or depreciation, whichever is less in previous year, is set off against the profit of the company for the year for which dividend is declared or paid. ये वाला पॉइंट यहां आया ही क्यों? हम तो बात कर रहे हैं डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ द पास्ट रिजर्व्स. नाम इन रूल का क्या है? हर रूल का नाम होता है डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014. इसमें ये नहीं लिखा डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ पास्ट ईयर्स रिजर्व रूल्स. उसका नाम क्या है? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स. डेफिनेशन दिए एक्ट सेक्शन वर्ड्स दे शैल कम इन टू फोर्स, सारी चीजें रूल्स के साथ. अगर आप रूल्स को ध्यान से देखो तो दीज रूल्स आर, तीसरे नंबर का रूल है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व्स. कौन से रिजर्व्स? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. पास्ट रिजर्व्स क्योंकि उसी के लिए बनाए थे. ठीक है, तीसरा रूल मैंने देख लिया. तीसरे रूल के अंदर सब रूल चल रहे थे, सब रूल वन, सब रूल टू, सब रूल थ्री, सब रूल फोर, और ये सब रूल फाइव ही है. दिस इज नॉट अ रूल विच इज अ डिफरेंट रूल. अब ये सब रूल फाइव बोलता है नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड. आप तो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे जब तक कि कैरिड ओवर प्रीवियस ईयर लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड इन प्रीवियस ईयर. एक मिनट, प्रीवियस ईयर के लॉसेस तो समझ में आ गए, चलो वो भी स्थिति हमने समझ ली कि डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड आएगा ही नहीं क्योंकि हर कंपनी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करके ही आएगी. तो वो स्थिति हम लाने ही नहीं चाहते जिसमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड फॉर नहीं किया हो. वो स्थिति तभी आ पाएगी जब ऑडिटर ने क्वालिफाई की हो, अदरवाइज वो स्थिति आ ही नहीं पाएगी. ओके, तो ठीक है, सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ द करंट ईयर. The loss or depreciation, whichever is lower in previous year, is set off against the profit of the company for the year for which dividend is declared or paid. ये चीज पहले हुआ करती थी section 205 के अंदर itself. अब उन्होंने इसको उठाकर कहां डाल दी? Rules में. लेकिन rules में डाली तो उन सब rules में आके ये इकट्ठी हो गई जो सब रूल बने हुए हैं किसके लिए? Reserves के लिए. And here they are not declaring ki which profit they are talking about and which reserves they are talking about. To ab agar main interpretation nikalu to ye nikalunga ki main koi bhi company declare nahi kar sakti dividend unless carried over previous losses and depreciation not provided in previous year are set off against profit of the company of the current year. Khatam pehle yahan kar do. Current year ke profit mein se agar प्रीवियस ईयर्स के सारे सेट ऑफ नहीं हुए तो गड़बड़ हो जाएगी. तो दोस्तों, मैंने आपको बोला था इससे पहले वाले रूल में कि आपको जो भी लॉसेस हैं करंट ईयर के वो पहले किससे सेट ऑफ करना पड़ेंगे? जो करंट ईयर के लॉसेस हैं वो किससे सेट ऑफ करना पड़ेंगे पहले? जो प्रॉफिट निकालोगे उससे सेट ऑफ करना पड़ेंगे. तो वो लॉसेस कौन से आएंगे? वो लॉसेस अब डिफाइन हो रहे हैं. खाली करंट ईयर का लॉस नहीं, वो लॉस डिफाइन कर रहा है यहां पे. मैंने भी आपको बोला कि आपने 11 लाख निकाले, ओ भाई साहब आप 11 लाख में डिविडेंड नहीं दे पा रहे हो क्योंकि प्रीवियस ईयर के लॉस करंट ईयर का लॉस ही सेट ऑफ नहीं हो रहा है. तो करंट ईयर का लॉस कौन सा? वो डिफाइन कर रहा है. करंट ईयर का लॉस मतलब खाली करंट ईयर का लॉस नहीं, करंट ईयर का लॉस इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन. क्योंकि प्रीवियस ईयर एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन को वो क्या लेकर आए? लॉस और डेप्रिसिएशन विच एवर इज लेस इन प्रीवियस ईयर. जब तक मैं इसका एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा ना तब तक तो ये आपके समझ ही नहीं आएगा. देखो मैं बताता हूं क्या चक्कर है. इस साल करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का लॉस है 10 लाख,
और ये लॉस जो है इस साल आफ्टर डेप्रिसिएशन है और वो डेप्रिसिएशन लगा है 5 लाख का। हेलो, मेरे पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं और रिजर्व्स पड़े हुए हैं कितने, सपोज 25 लाख। अब वो बोल रहे हैं और मान लो रूल्स के तहत मैं इनमें से मुझे कितने परसेंट रखना है, 15%, तो मैं 15 लाख रिजर्व्स रख सकता हूं, यानी मैं यहां से निकाल सकता हूं कितना, 10 लाख रुपया। इसको मैं मान लेता हूं 45 लाख रुपए, तो थोड़ा रिजर्व बढ़ जाएंगे। मुझे रखना है 15, यानी मैं विड्रॉ कर सकता हूं कितना, 30। सो आई कैन विड्रॉ हाउ मच, 30 लाख। अभी इस 30 लाख को विड्रॉ करने के लिए मैं बोलूंगा सर 30 लाख में से 10 लाख हटा देते हैं, बचे कितने, 20। अब इस 20 से क्या दे देंगे, डिविडेंड। तो बोलेंगे रुको एक मिनट, खाली ये 20 नहीं, पहले प्रीवियस ईयर के कोई कैरी फॉरवर्ड लॉसेस हो। वैसे प्रीवियस ईयर के कैरी फॉरवर्ड लॉसेस आएंगे नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के अगर कोई डेबिट बैलेंस ऑफ P&L होगा तो वो जनरल रिजर्व में से वैसे ही सेट ऑफ हो गया होगा। अगर प्रीवियस ईयर का कोई डेबिट बैलेंस होगा तो उतना जनरल रिजर्व आएगा ही नहीं 45। लेकिन अगर किसी कंपनी ने चालबाजी करके रिजर्व को तो रिजर्व में रखा है और P&L का एक्यूमुलेटेड डेबिट बैलेंस भी वहीं दिखा रखा है, कहां पे, रिजर्व एंड सरप्लस में, तो वो बोल रहे हैं भाई साहब पहले तो ये 30 लाख आप निकालो, इसमें से करंट 10 लाख साफ करो। हेलो, उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के लॉसेस और डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर निकालो। व्हाट डज दिस मीन, लॉसेस और डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर? एक सवाल हुआ करता था जो IPCC में हमसे कराया जाता था, लॉसेस और डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर वाला। लुक, अब ये 30 लाख रुपए हैं और मुझसे कहा जा रहा है इस 30 लाख रुपए को हम बांटना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा 30 में से पहले 10 हटा दो। ओके, अब बचे कितने, 20। अब तुम ये बताओ कि प्रीवियस ईयर्स के क्या हाल थे? सर बोले प्रीवियस 3 ईयर के हाल ये थे, लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन यहां 5 लाख का था और डेप्रिसिएशन 3 लाख का था, और टोटल लॉस कितना था, 8 लाख। यहां 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर 3 लाख का डेप्रिसिएशन लगा, और यहां लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1 लाख। यहां 4 लाख का प्रॉफिट हुआ और 3 लाख का क्या लगा, लॉस और डेप्रिसिएशन, और 1 लाख का क्या आ गया, प्रॉफिट। और उसके बाद यह सिचुएशन, करंट ईयर में आपके पास लॉस है, अब सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है, करंट ईयर में आपके पास लॉस है 10 लाख, एक्यूमुलेटेड आपका जो डेप्रिसिएशन है वो इस साल का है वो कितना है, 5 लाख, और आफ्टर डेप्रिसिएशन लॉस कितना है आपका, 10 लाख। ठीक है, आपको बोला गया 30 लाख रुपए आप विड्रॉ, 30 लाख रुपए आपके पास है जो आप निकाल सकते हो, इस 30 लाख को निकालने के बाद पहले तो 10 लाख सेट ऑफ करूंगा, और 10 के बाद अब मैं यहां आ रहा हूं। मुझे ये बताओ क्या ये 3 लाख का ड्राई डेप्रिसिएशन है? ये 3 लाख ड्राई डेप्रिसिएशन है कि नहीं? ड्राई डेप्रिसिएशन का मतलब एनी डेप्रिसिएशन जो प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो आया ही नहीं ना, बना ही नहीं ना, तो ये 3 लाख एरियर में हो गए। ओके, यहां पर 2 लाख का प्रॉफिट था और 3 लाख का डेप्रिसिएशन लगा, तो 2 लाख तो सेट ऑफ होके 1 ड्राई हो गया। अब मेरे पास ड्राई डेप्रिसिएशन हो गया 3 लाख प्लस 1 लाख, 4 लाख। अगले साल 4 लाख का प्रॉफिट हुआ और 3 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, तो देर इज नो ड्राई डेप्रिसिएशन। तो अब मेरे पास ड्राई डेप्रिसिएशन के रूप में कितने हो गए, 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख। हेलो, अब यहां पर देखो ये हुआ लॉस, ध्यान देना मेरी बात पर, ये हुआ लॉस और ये हुआ डेप्रिसिएशन, विच एवर इज लोअर, 1 लाख। ये हुआ आपका लॉस
ये हुआ डेप्रिसिएशन, विच एवर इज लोअर, यानी वो आपसे सिर्फ क्या क्रिएट करवाना चाहता है, एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। लोग बाग गायब हो गए अब इसमें से एकदम से। सर ऐसा है, पिछले 3 साल की हिस्ट्री है, लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन कितना था, 5 लाख, मैंने डेप्रिसिएशन लगाया 3 लाख का, तो क्या 1 रुपए का भी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड फॉर हुआ, एरियर हो गया ना। ये विनय भी करवाता आईपीसीसी में सवाल, यार कैसी बातें कर रहे हो, ये जो है आपका विनय ने करवाया ये वाले सवाल, ये देखो बैठे हुए हाँ हाँ कर रहे हैं, तो 3 लाख रुपए डेप्रिसिएशन ड्राई हो गया, नाउ 3 लाख का एरियर डेप्रिसिएशन आ गया, अगले साल आपको 2 लाख का प्रॉफिट हुआ लेकिन 3 लाख का डेप्रिसिएशन लगने के कारण लॉस कितने का आ गया, 1 लाख का, लेकिन लॉस तो आया 1 लाख का लेकिन 2 लाख का डेप्रिसिएशन तो प्रोवाइड कर गया ना वो, यानी ड्राई डेप्रिसिएशन आपके पास रहा सिर्फ कितना, 1 लाख का। यानी अब यहां पर अगर मैं थ्योरी लगा दूं कि पिछले साल का एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, तो मैं बोलूंगा लॉस और डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर, लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन विच एवर इज लोअर, इट विल बी योर व्हाट लॉसेस। अब मैं बोलूंगा भाई साहब 1 लाख का प्रॉफिट तो ये है, 1 लाख का प्रॉफिट तो ये है, प्लस 30 लाख ये हो गए, हेलो टोटल कितने हो गए, 30 लाख प्लस 1 लाख 31 लाख, 31 लाख में से पहले जाएंगे कौन, 10 लाख, हेलो बचे कितने, 21 लाख, 21 लाख में से पहले जाएंगे 4 लाख, अब बचे कितने, 17 लाख, ये बांट लो आप, हेलो पूरा सवाल एक बार फिर, पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़, रिजर्व्स 45 लाख, पिछले पूरे साल के 3 साल के डिविडेंड का रेट 12%, हम बांटना चाहते हैं 11%, हमें इस स्थिति में जब करंट ईयर के अंदर लॉस है कितना, 10 लाख का आफ्टर डेप्रिसिएशन, और प्रीवियस 3 ईयर की स्थिति यह दी गई है, अब हमसे पूछा जा रहा है डिविडेंड बताओ कितना देना है, अब पूरे रूल लगाएंगे वापस से। पहली बात, करंट ईयर में प्रॉफिट है क्या, करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है तो प्रीवियस ईयर से निकालना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर से निकालना पड़ेगा तो रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 साल का कितना है, 12, आप कितना देना चाहते हो, 11, पहला रूल फॉलो हो गया, यस फर्स्ट रूल फॉलोड, सेकंड आई कैन विड्रॉ मैक्सिमम हाउ मच, कितना विड्रॉ कर सकता हूं, 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व मिलाकर हुए 1 करोड़ प्लस 45 लाख, हेलो, लेकिन 1 करोड़ वो रिजर्व्स हैं कितने, 45 लाख, कौन से रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, कितने हैं आपके, 45 लाख। अब बताए करंट ईयर का प्रॉफिट देख लूंगा, 1 करोड़ 45 लाख का कितना परसेंट निकाल सकता हूं मैक्सिमम, 10%, कितना हुआ, 14,50,000 का मैक्सिमम विड्रॉल कर सकता हूं। अब 14,50,000 का मैक्सिमम विड्रॉल मैंने कर भी लिया तो करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है, 10 लाख, करंट ईयर का लॉस कितना है, 10 लाख, और 4 लाख पुराना हिसाब है, 10 तो ये और 4 पुराना, ये तो यही साफ हो गया सर, सॉरी वी कैन नॉट गिव डिविडेंड, नो सर आई वॉन्ट डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 5%, ओके 5% डिविडेंड डिक्लेयर करना है, यानी तुमको कितना पैसा चाहिए, 5 लाख, चलो विड्रॉ करते हैं, 5 लाख विड्रॉ करके क्या करूंगा, लॉसेस भी तो सेट ऑफ करने हैं, चलो ठीक है विड्रॉ कर लेते हैं, 5 लाख तो तुमको डिविडेंड के चाहिए, 10 लाख इस साल के लॉस के चाहिए, टोटल कितने हुए, 15, और 4 लाख का पिछला एरियर ऑफ डिविडेंड है, टोटल कितने होगा, 19, आओ विड्रॉ करते हैं, चलो 19 लाख विड्रॉ करते हैं, 19 लाख विड्रॉ कैसे करूं सर, हाउ शुड आई विड्रॉ 19 लाख, 19 लाख विड्रॉ करने जा रहा हूं तो मैं देखूं पहले कि मैं मैक्सिमम विड्रॉ कितना कर सकता हूं, फिर आ गया 14.5, मतलब तुम 5% भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, तो मुझे बता दो आपकी मैं कितने परसेंट डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूं, रुक तू 1% डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि 10 लाख का तो तेरा क्या है,
दस लाख का तो तेरा क्या है लॉस, और चार लाख का एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन, टोटल हो गया 14, 50,000 रुपए बचे, डिविडेंड बांट ले। हेलो, यू हैव मैक्सिमम 50,000 टू डिस्ट्रीब्यूट एज अ डिविडेंड, अदरवाइज यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड। तबाही का आलम देखने लायक है। तो ये तो अगर अमेंडमेंट नहीं होता तो भी आपका आलम यही रहता, क्योंकि या तो इसको पढ़ाना नहीं चाहिए और छोड़ ही देना चाहिए, ताकि किसी को कुछ समझ में ही नहीं आए कि क्या आया और क्या गया। दैट्स द बेस्ट पॉइंट, समझ में ही नहीं आएगा ना, सीधा एग्जाम में आएगा तो टीचर बोल देगा आउट ऑफ कोर्स है रे, जबकि चार सवाल दिए इसके आपके मॉड्यूल में एज इट इज। योर ऑडिटिंग मॉड्यूल कंटेन्स 4 प्रॉब्लम्स एज इट इज न्यूमेरिकल, वो आपको हवा भी नहीं लगती, वो बात अलग है, पर है, इट्स देयर। और ये चारों प्रॉब्लम है तो अब रीड्राफ्ट होके आ जाएंगे। तो अब मेरा कहना ये है कि इस प्रॉब्लम में अगर मेरे पास रिजर्व्स होते 75 लाख के, तो मुझे बताओ मैं मैक्सिमम कितना डिविडेंड बांट सकता हूं। एकदम से मत कैलकुलेट करो, सबको समय दो। एक करोड़ 75 लाख रुपया टोटल पड़ा है आपके पास, उसका मैक्सिमम कितना विड्रॉ कर सकते हो? 10%। 1,75,00,000 का 10% 17.5 लाख। 17.5 लाख में से 14 लाख तो पहले के ही देने हैं। कितने बचे? 3.5। 3.5 लाख रुपए के बराबर का डिविडेंड आप डिक्लेयर कर सकते हो सारे रूल्स फॉलो करने के बाद। अब उस रूल पे वापस आते हैं जिसके कारण ये नाटक और नौटंकी हुई। मैं तो बड़ा खुश हो रहा था कि यार वो लॉस और डेप्रिसिएशन विच एवर लोअर इन सेक्शन में से ही उड़ा दिया, वो सेक्शन में से उड़ा के रूल में घुसेड़ दिया, एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। सो दे हैव क्लेरिफाइड इट दैट एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है इस रूल के साथ कि ये रूल ये क्लेरिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये रूल सिर्फ तब लगेगा जब प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड दूं, या मैं करंट ईयर के प्रॉफिट में से डिविडेंड दूंगा तब भी लगेगा। देखा जाए तो कॉमन सेंस यही कहता है कि करंट ईयर का प्रॉफिट मान लो इसी प्रॉब्लम में जो मैंने दिया, इसी में करंट ईयर का प्रॉफिट अगर 20 लाख होता डेप्रिसिएशन के बाद, तो भी 4 लाख का एरिया डेप्रिसिएशन मेरे पास था सर, वो तो मैं सेट ऑफ करना ही पड़ेगा मेरे को, उसके बाद बचे 16 लाख से डिविडेंड बांट पाऊंगा मैं। हेलो, भले ये रूल नहीं लगा रहा होता, मान लो मेरे पास 20 लाख का क्या होता, करंट ईयर का ही प्रॉफिट होता आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो भी 4 लाख का जो एरियर पड़ा है मेरे पास, और 1 लाख प्रॉफिट है, तो 3 लाख का नेट एरियर जो मेरे पास पड़ा हुआ है वो मैं यहां सेट ऑफ कर लेता। दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो नो कंपनी शेल डिक्लेयर डिविडेंड अनलेस कैरिड ओवर प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड इन प्रीवियस ईयर आर सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ऑफ द करंट ईयर। The loss or depreciation, whichever is lower in previous year, is set off against the profit of the company for the year for which the dividend is declared or paid. बहुत clear है, वही की वही section उठाकर इन्होंने rule में डाल दी, but it is quite clear कि current year में से भी आप देना चाहते हो profit। अब अपन अगर मान लें कि current year को के profit में से कितने current year का profit आपका 20 लाख का है, और आपको situation दे रखी है ये कि करंट ईयर का प्रॉफिट 20 लाख का है आफ्टर डेप्रिसिएशन, और ये हालत है, तो मैं बोलूंगा देखो भैया एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 3 और 1 4, और ये 1 लाख का प्रॉफिट भी आखिरी में, तो अपने पास प्रॉफिट आया कितना 20 में 1 जोड़ो कितना हुआ 21 में से क्या हटाओ 4, कितने बचे 17, दैट 17 से मैं इस साल डिविडेंड बांट सकता हूं, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। करंट प्रॉफिट में से भी, करंट ईयर के प्रॉफिट में से भी डिविडेंड बांटूंगा तो ये रूल तो लगेंगे ही, क्योंकि उसने बोला है डेप्रिसिएशन करंट ईयर का हटाना है। आप सेक्शन में जाओ 205 जो अपन पढ़ रहे थे 123, उस सेक्शन की शुरुआत में अगर आप जाओगे तो वहीं लिखा हुआ है कि आप नो डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड out of the profit of the company for previous financial year arriving after providing for depreciation in accordance with the provisions of subsection 2, remaining undistributed or out of both। यहां पर वो लिखना भूल गए हैं, लेकिन एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा जरूर, क्योंकि उसके बिना काम चल नहीं पाएगा, ये सब रूल उसके ऊपर ओवर राइड कर जाएगा फिर। सो दे हैव टू,
सो जब भी डेप्रिसिएशन देंगे हमको देना तो पड़ेगा डिविडेंड डिक्लेरेशन। इतना बड़ा ये फ्लॉ है कि इसके ऊपर बाकायदा एक पूरा आर्टिकल लिखा जा सकता है एनामलीज अंडर सेक्शन 123 विथ रूल्स कॉन्ट्रोवर्सीज। कितनी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं जिसको समझने में पूरा एक घंटा लग गया कि व्हाट आर दी कॉन्ट्रोवर्सी, बट द कंक्लूजन इज करंट ईयर में से डिविडेंड देना हो तो रिजर्व में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, डेप्रिसिएशन लगाओ डिविडेंड दे दो। पास्ट ईयर्स के पीएनएल में से डिविडेंड देना है कभी भी दे दो, पास्ट ईयर्स के रिजर्व्स में से डिविडेंड देना है पहला रूल, पिछले तीन साल के डिविडेंड के रेट के बराबर एवरेज से नीचे दो या उसके बराबर दो, 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का मैक्सिमम विड्रॉल होगा, विड्रॉल से सेट ऑफ होगा करंट ईयर का लॉस और प्रीवियस ईयर्स का एरियर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसको आप कहां बांट सकते हो डिविडेंड में। और ध्यान रखना विड्रॉल करने के बाद 15% बचना चाहिए किसका, पेड अप शेयर कैपिटल का, वो नहीं बचा तो निपटा दिए जाएंगे। तो दैट फिनिशेस योर डिविडेंड आउट ऑफ करंट एंड आउट ऑफ पास्ट। एक सेक्शन बची है डिविडेंड की, वो अनपेड डिविडेंड अनक्लेम डिविडेंड है, कल सुबह उससे स्टार्ट करके कल से ऑडिट शुरू करेंगे।